हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग माता रानी की कृपा से सब सही होंगे। तो बड़ों को मेरा प्रणाम, बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार। तो गाइस, लाया आप एक आपके लिए कॉल, नया ब्लॉग। तो दो चार दिन हो गए थे मेरे को अभी बुखार उखार और जुकाम वुकाम था, तो इस चक्कर से ब्लॉग नहीं कर पा रहा था। तो मैंने सोचा कि आज आप लोग को एक छोटी सी राइड कराता हूँ करके। तो आज मैं जा रहा हूँ अभी कामाख्या टेम्पल, तो वहाँ से दिखाते आप लोग को व्यू और कामाख्या टेम्पल दिखाते कैसा है। तो गाइस आगे मिलते हैं आप लोग को रोड पे। तो गाड़ी मेरे ऊपर खड़ी है, तो हमारा मकान नीचे है, तो आप लोगों को पता है गाइस। तो अभी चलते रोड पे, तो गाड़ी अड़ी निकालते हैं, तो उसके चलते हैं गाइस कामाख्या टेम्पल। तो आप लोगों को दिखाते हैं कामाख्या टेम्पल कैसा है। तो गाइस जस्ट मैं अभी रोड पर पहुंचा था, जो डेविन मेरी खड़ी है, डेविन मेरे नीचे खड़ी रहती है गैराज में। तो अभी चलते हैं गैराज में, अभी तो वहां से निकालते हैं डेविन को, फिर चलते हैं उसके बाद। तो देख सकते हैं अभी जो हमारा मकान है, तो गंगा निवास की तरफ है जो नुडला में है। तो गाइस चलते हैं गाड़ी के पास, गाड़ी निकलते हैं फिर आगे चलते हैं गाइस। तो गाइस गैराज के पास पहुंच गए थे, तो ये खड़े अपने डेविल अभी। तो गाड़ी निकालते हैं गाइस यहाँ से, तो गाड़ी को थोड़ा साफ करते हैं, गाड़ी निकालते हैं, उसके बाद निकलते हैं गाइस। तो देख सकते हैं अभी गैराज में पहुंच चुका हूँ मैं, तो निकलते हैं उसके बाद। तो गाइस वहां से तो निकल चुका था मैं गैराज से, और वहां फिलअप करा लिया था। फिलअप कराने के बाद निकल रहा था मैं यहाँ से। तो अभी जो भीड़ में काकू की दुकान है, जो आपने पहले मिल चुके काकू से, तो काकू की दुकान पे भी बैठ के मैं चाय पानी कर रहा था, क्योंकि मैं घर से नाश्ता करके नहीं आया था। तो अभी चाय चाय पिए, तो क्योंकि मंदिर जा रहा हूँ तो इसलिए चाय चाय पिए। तो यहाँ अपने एक और सब्सक्राइबर भी आए थे, गोविंद भैया, तो काफी टाइम बाद मिले थे गोविंद भैया से। गोविंद भैया यहाँ पर शॉप है जो भीड़ में, क्या नाम है, मोमोज मेनिया करके। तो कभी आप लोग हम यहाँ भी दिखाएंगे मोमोज मेनिया करके। और जो सिमल गैलरी की काफी बड़ी शॉप है, अभी नई नई शॉप खुली है मोमोज मेनिया करके, तो आपको वहाँ भी एक्सपीरियंस कराएंगे गाइस। तो आगे की बिल्ली लगेगी ब्लॉग में, साथ रहिए गाइस। तो आगे मिलता हूँ आपको मैं आगे, तो आप मिलते आपको हम कंटिन्यू राइड से। तो गाइस ये खड़ी अपनी डेविल, और अभी मैं भीड़ में हूँ, तो मैं यहाँ से निकलता हूँ गाइस। तो आप लोग अपने कंटिन्यू राइड पर रहिए। तो गाइस राइड में मिलते हैं आप लोग को अभी। तो डेविल काफ़ी टाइम बाद यार, डेविल काफ़ी गंदी हो रही थी कार डेविल। अभी जब भी मंदिर से आऊँगा वापस, तो उसके बाद गाड़ी धुलवानी है, बाइक धुलवानी है डेविल को। तो आज डेविल धुलवाएंगे गाइस, तो डेविल को भी आज बनाएंगे चौक। तो गाइस बने रहिए ब्लॉग में साथ साथ, तो मैं निकलता हूँ यहाँ से गाइस आगे को। तो गाइस अभी मैं कासनी पहुँच चुका था, तो पिंड से निकलने के बाद अभी मैं कासनी पहुँच गया हूँ। तो गाइस अभी आप लोग को दिखाऊँ तो ये काफ़ी छोटी सी मार्केट है, यहाँ पर छोटा सा कस्बा है अभी। मार्केट से पिछड़ोड़ की मार्केट है, तो मार्केट से हटाए थे गाइस ये। तो आप लोग को बताऊँ तो छोटी सी मार्केट है, आप देखिए। तो गाइस ये आपको बताऊँ तो ये पूरा आर्मी एरिया गाइस, पूरा लगभग पूरा आर्मी एरिया गाइस ये। आप लोग देख सकते हैं यहाँ जो मिलिट्री हॉस्पिटल का बोर्डिंग लगा गाइस ये, तो आप लोग को बताऊँ तो पूरा आर्मी एरिया गाइस ये। तो देख सकते हैं आप अभी जो एमएस का हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल भी गाइस यहीं पे है, जो एमएस का हॉस्पिटल है देख सकते हैं आप लोग। ये एमएस का हॉस्पिटल भी गाइस यहीं पे है। तो आप लोग को बताऊँ तो अभी यहाँ पर मैं अभी ये जो मारदा पार्क है, जो लॉकडाउन हुआ था लॉकडाउन के टाइम से बंद है, तो उसके बाद ये ओपन नहीं हुआ गाइस अभी तक। तो जब ये ओपन होगा तो हम आपको इसको भी एक्सपीरियंस कराएंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि महाराजा पार्क कैसा है गाइस यहाँ का। तो अभी आप लोग को दिखाऊँ तो मैं गाइस ये रखा महाराजा पार्क यहाँ का, जो अभी क्लोज है गाइस। तो आप लोग देख सकते हैं अभी ये जो मेमोरियल बनाई गई थी, काफ़ी अच्छी मेमोरियल बनाई गई थी यहाँ पर, ये आप लोग देख सकते हैं स्वर्णिम विजय पर्व की, विजय पर्व वर्षी की उससे बनाई गई थी ये गाइस मेमोरियल। तो जो आर्मी की उससे काफ़ी अच्छी मेमोरियल बनाई गई है गाइस, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन गाइस अभी ये क्लोज है, जब ओपन होगा तो आपको पक्का इसको एक्सप्लोर कराएंगे गाइस, तो आप लोगों को दिखाएंगे कि महाराजा पार्क कैसा है अंदर से। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग अभी। तो गाइस निकलता हूँ यहाँ से आगे को। तो गाइस लोग आप लोग को मैं बताऊँ तो पिथौरागढ़ के अंदर जो गुरुद्वारा है, तो एक ही गुरुद्वारा है गाइस ये, वो भी यहीं पर है। जस्ट थोड़ा कासनी से आगे, महाराजा पार्क से आगे निकलेंगे तो समथिंग एक किलोमीटर आगे निकलेंगे तो आप लोग को यहाँ पर एक गुरुद्वारा देखेगा। तो गाइस यहाँ जो पिथौरागढ़ में एक ही गुरुद्वारा है, तो वो भी यहीं है, देख सकते हैं गाइस आप लोग अभी। तो अभी मैं पहुंच चुका था आपका गुरुद्वारे के पास, तो अभी मैंने यहाँ से निकलना है, अराउंड यहाँ से करीबन 2 या 3 किलोमीटर समथिंग है। तो आप लोगों को मैं अभी दिखाता हूँ कैंटीन, तो यहाँ की एम एस की कैंटीन सबसे बड़ी कैंटीन तो यहाँ की है, तो वो यहीं पर है। तो आप लोग हम कैंटीन भी खाएंगे अभी, तो उसके बाद निकलता हूँ गाइस मंदिर को। तो जस्ट जो मंदिर का रास्ता है, तो यहीं से हमें लेफ्ट लेना पड़ेगा जो आर्मी एरिया है, तो क्या पता मैं वहाँ पर अभी ब्लॉग ना करूँ। तो आगे आपको दिखा दूँ मैं जो एम एस की कैंटीन है, सबसे बड़ी कैंटीन यहाँ की ब्लॉग में गाइस। तो गाइस देख सकते हैं सबसे बड़ी कैंटीन जो है ये है गाइस, एमएस की सबसे बड़ी कैंटीन है, जो पिथौरागढ़ के अंदर सबसे बड़ी कैंटीन है गाइस ये, देख सकते हैं गाइस आप लोग। गाइस तो पूरा ये जो है कि पूरा आर्मी एरिया गाइस, तभी बताऊंगा आप लोगों को, पूरा ये आर्मी एरिया गाइस ये। तो आप लोगों को देखे तो पूरा ये कैंटीन, पूरा ये कैंटीन एरिया है, तो इसी के अंदर एमएस की सबसे बड़ी कैंटीन है गाइस यहाँ।
तो गाइस आप लोग देख सकते हैं अभी आप, तो गाइस अभी आगे से रोड कट रही है ऊपर को, तो मैंने ऊपर को निकलना है, तो मैं थोड़ा रॉन्ग चल रहा हूँ, तो लोग कंधा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं तो ये लेफ्ट में रास्ता कट रहा है, तो गाइस मैंने यहाँ से लेफ्ट में कटना है। और जो ये रोड आ रही है आगे को, तो जो रोड आ रही है तो ये रोड निकल रही है आपकी वड्डा से झूलाघाट जो नेपाल बॉर्डर पर जाती है गाइस। तो आप लोग को दिखाऊँ तो ऊपर निकलता हूँ मैं लेफ्ट को, फिर ऊपर आगे बताता हूँ आप लोग को, ऊपर करता हूँ ब्लॉग कि आगे क्यों अभी आगे कैंट एरिया है, तो अभी आर्मी का चेक पोस्ट भी है यहाँ पर, तो वो ब्लॉग क्या पता कैमरा खोलने ना देगा इसको, आगे मिलता हूँ आप लोग को मैं। तो गाइस मैं वहाँ से निकल चुका था जो अंदर आर्मी का एरिया था, जो आर्मी की चेक पोस्ट थी, तो उन्होंने कुछ मना नहीं करा, मैंने कहा निकल जाओ भैया, तो कोई मैंने कोई ऐसा नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो गाइस देख सकते हैं आप अभी मैं आर्मी एरिया के अंदर हूँ, पूरा जो है कि पूरा आर्मी एरिया का है, देख सकते हैं आप लोग जो आर्मी एरिया बनता है तो काफ़ी यार अच्छा बनाए रहते हैं, काफ़ी आप लोगों को पता ही है एक आर्मी एरिया कैसा होता है, तो आर्मी एरिया काफ़ी अच्छा बनाया रहता है गाइस। तो गाइस आप लोगों को बताऊं मैं पहुंच चुका था यहाँ पर, तो पहुंचने के बाद मैंने गाड़ी वहाँ पार्क कर दी अपनी, तो डेवलिंग वहाँ पर खड़ा कर दिया। तो उसके बाद गाइस मैं आप लोगों को बताऊं तो अभी काफ़ी यहाँ पर चेंज हो गया है, काफ़ी अच्छा डेवलप कर दिया गया यहाँ पर जो पार्किंग की व्यवस्था है। पहले यहाँ पर तो आपको बताऊं तो पहले ऐसी पार्किंग भी नहीं थी गाइस यहाँ पर, तो अभी काफ़ी अच्छा डेवलप कर दिया गया है यहाँ पर। आप लोगों को आप व्यू दिखाऊं तो पीछे मेरे जो दिख रहा है तो ये नैनी सैनी एयरपोर्ट पीछे की तरफ से, तो गाइस और खाकर गाँव और पीछे जो दिख रहा है तो पूरा नैनी सैनी का एयरपोर्ट है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं पीछे काफ़ी अच्छा व्यू है यार, यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आता है यार। तो गाइस अभी आप लोगों को दिखाते हैं व्यू कैसा आता है यहाँ का, और गाइस चलते हैं ऊपर अभी। तो आपको पहले बता दूं मैं यहाँ पर, तो जो पहले यहाँ पर टेम्पल पड़ता था, जो कैलपाल बाबा जो मंदिर है, तो उसका टेम्पल पड़ता था गाइस यहाँ पर नीचे, और जो ऊपर है तो माता रानी का टेम्पल है कामाख्या देवी। तो गाइस आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर जहाँ पर टेम्पल है, तो उसका निकलते गाइस ऊपर को माता रानी के टेम्पल में। तो गाइस मैं कभी कैलपाल बाबा की बात कर रहा था, कैलपाल बाबा जो टेम्पल है तो गाइस ये है कैलपाल बाबा का मंदिर। तो गाइस देख सकते हैं जो पहाड़ों में मंदिर होते हैं काफ़ी अच्छे डेकोरेट किए गए होते हैं गाइस, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को दिख रहा होगा काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया होता है यार मंदिर को ना काफ़ी अच्छे से। तो अभी आप लोगों का मंदिर भी दर्शन कराएंगे गाइस, तो आप लोग एक बार व्यू दिखाऊंगा यहाँ पर, काफ़ी अल्टीमेट व्यू आता है, काफ़ी अच्छा व्यू आता है गाइस। तो आप लोग को जो भी पीछे दिख रहे होंगे देखिए गाइस काफ़ी अच्छी, तो ये जो गाँव है इनका नाम तो मुझे पता नहीं है गाइस अच्छे से, तो लगे आप लोग को दिखाओ तो काफ़ी अच्छा है यार ये जो है काफ़ी यार, आप लोग को दिखाओ तो पहाड़ में ऊपर तक मकान दिखे गाइस, पहाड़ देखिए बिल्कुल, आप देख सकते हैं आगे जो रनवे दिख रहा है, तो रनवे तो गाइस ये नैनी सैनी एयरपोर्ट है, तो पिथौरगढ़ में एक एयरपोर्ट है गाइस, लेकिन उड़ाने बहुत कम उड़ती है यहाँ से उड़ाने से देखने के लिए बहुत कम देखने को मिलती है उड़ाने गाइस। तो आप लोग को बताऊँ तो देखिए गाइस ये है, और आधी सीढ़ी दिख रही है गाइस यहाँ से भी, आधी सीढ़ी भी दिख रही है गाइस। तो आप लोग को दिखाऊँ तो मैं ये रनवे ये रहा नैनी सैनी एयरपोर्ट, तो गाइस मैं जो आपसे बात कर रहा था कि जो यहाँ पर पार्किंग व्यवस्था बना दी गई है काफ़ी अच्छी देखिए देख सकते हैं आप लोग, तो काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया गया है यहाँ पर आजकल अभी। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग फर्स्ट टेम्पल है यहाँ पर, शनिदेव का टेम्पल है गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये, तो अभी तो शनिदेव का टेम्पल सबसे पहले पड़ता है गाइस देख सकते हैं आप लोग अभी, तो चलते हैं गाइस ऊपर को, तो ब्लॉग पे बन रही है गाइस साथ में, तो ऊपर को चलते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप लोग को नीचे शनिदेव का टेम्पल मिलेगा जो कामाख्या आएंगे आप, तो उसके बाद आपको जो श्री सूर्यदेव का टेम्पल मिलेगा गाइस यहाँ पर, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप जो पहाड़ी टेम्पल होते हैं आप लोग देख सकते हैं गाइस कैसे बनाए जाते हैं, तो देख सकते हैं आप लोग शिवलिंग यहाँ पर रखे हैं और जो सूर्यदेवता है, तो गाइस देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर मैं ऊपर आ चुका था, तो ऊपर आने के बाद सबसे पहले शनिदेव का टेम्पल, उसके बाद सूर्यदेवता का, तो गाइस के बाद आपको जो कामाख्या का टेम्पल जो मेन माता का मंदिर है तो वहाँ पर चलते हैं गाइस, तो ब्लॉग में बने रहिए साथ। तो गाइस मैं थोड़ा चल के ऊपर आ गया था, तो आप लोगों को दिखाऊं तो जो माता रानी का टेंपल है, तो गाइस ये रखा है यार जय हो माता रानी, काफ़ी टाइम बाद आया गाइस, तो आज काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आगे। तो गाइस चलते हैं ऊपर को मंदिर की तरफ को, तो आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं और माता रानी के दर्शन कराते हैं गाइस, तो बने रहिए ब्लॉग के साथ साथ। तो गाइस लगभग मेन गेट के दरबार में पहुँच चुके थे, मेन गेट में लगभग, तो आप लोगों को दिखाऊँ तो यहाँ पर काफ़ी प्रोग्रेस है, काफ़ी अच्छे डेकोरेट किया गया है यहाँ पर आजकल, डेकोरेट कर रहे हैं यहाँ पर पूरा। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग जो बैठने के लिए ये भी नया बनाया गया है, तो काफ़ी अच्छे डेकोरेट हो रहा है यहाँ पे गाइस, काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो देख सकते हैं आप लोग।
चलते ऊपर टेम्पल की तरफ, तो आप लोग भी दर्शन कराते हैं माता रानी के गाइस। तो ब्लॉग में ये साथ में, तो मिलता आगे आप लोगों को। तो गाइस मेन गेट पर पहुंच चुका था अभी, तो आप लोग को दिखाऊं तो यहाँ पर टेंपल काफी अच्छे से डेकोरेट किया, काफी अच्छा बना रखा है यार। जो आप पेंटिंग करी गई है काफी अच्छे से करी गई है, और आप लोग को दिखाऊं तो यहाँ पर काफी विशाल घंटी है गाइस। क्या बता आप लोग को, वैसे एक्सपोज वैसे नहीं दिख रही होगी नेचुरल, वैसे कैमरे से नहीं दिख रही होगी, लेकिन जो मुझे दिख रहा है गाइस नेचुरल आंखों से, तो मैं आप लोग क्या बताऊँ इसके बारे में गाइस। तो देखिए गाइस काफी विशाल घंटी है यार, तो काफी टाइम बाद आ रहे हैं आप, काफी अच्छे से यार, लेकिन काफी अच्छा डेकोरेट किया गया है, तो आप लोगों को दिखाओ दिखा। तो गाइस ऊपर चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को मेरी घंटी। लेकिन तो गाइस काफी यार, काफी अच्छे से अल्टीमेट। और आपको बताएं तो यहाँ पर यज्ञ भी होते हैं, जो नवरात्रि होती है, नवरात्रि के टाइम में काफी पूजा पाठ होती है यहाँ पर गाइस। तो अभी ज्योतिर्लिंग चल रही है, जो दीप चलते हैं, तो आप लोग को दिखाएं। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, अभी काफी अच्छे से डेकोरेट कर दिया गया मंदिर को, काफी टाइम बाद आ रहा था, तो काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर आगे तो आप लोगों को दिखाऊं तो काफी यार अल्टीमेट यार, लेकिन काफी अच्छा बना दिया। बहुत टाइम बाद आ रहा था गाइस, आज करीब 5-6 साल हो गए थे, 5-6 साल बाद आया था मैं कामाक्षी टेम्पल। आज काफी टाइम बाद आ रहा था गाइस, तो देखिए गाइस अंदर क्या पता अंदर वीडियो बनाने ला दे, तो अंदर की वीडियो नहीं बनाएंगे, पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद गाइस देखते हैं आगे, फिर आगे बताता हूँ आप लोगों को। मैं 5 मिनट रुके, फिर 5 मिनट बाद आता हूँ गाइस। तो गाइस ब्लॉग में मिलेंगे, साथ साथ मिलता हूँ आगे। तो गाइस पूजा पाठ तो हो चुकी थी, लेकिन अब जो पंडित जी से कहा हमने कि आप इसके बारे में हिस्ट्री बता दी, तो थोड़ा बिजी है, तो चक्कर से मेरे को इसके बारे में ज्यादा पता भी नहीं है कि जो कामाक्षी माता की यहाँ की उनकी हिस्ट्री है, मेरे को ज्यादा पता भी नहीं है, तो सॉरी गाइस। तो लेकिन उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि थोड़ा बिजी है वो, तो अंदर काम कर रहे हैं, तो क्या पता थोड़ा बिजी, थोड़ा फ्री होंगे तो क्या बताएंगे गाइस। तो लेकिन जो काफी मंदिर यार काफी अच्छा डेकोरेट किया है आज कर यार, तो काफी टाइम बाद आया तो काफी अच्छा लगा यार, काफी टाइम बाद आया था मैं यहाँ, तो काफी अच्छा लग रहा है यहाँ मंदिर में जो डेकोरेट किया है, तो काफी अच्छे से डेकोरेट किया है गाइस। तो आप लोगों को बता दूं, तो जो मैं दिखाऊं यहाँ काफी अच्छे से यार, काफी एक बार दिखा दूं आप लोग गाइस, तो वह देख सकते हैं आप लोग काफी यार अल्टीमेट यार, काफी अच्छे से डेकोरेट किया है मंदिर को यार आजकल, जो डेंट पेंट पेंटिंग वेंटिंग काफी अच्छे से यार गाइस, देख सकते हैं आप लोग अभी। तो मैं अंदर आपको दिखाऊँ तो अंदर की जो अंदर गुरु जी ने मना कर दिया था, पंडित जी ने मना कर दिया था वीडियो बनाने के लिए, तो अंदर मैंने वीडियो नहीं बनाई थी गाइस। तो मैं आपको आगे दिखाता एक बार, काफ़ी यार काफ़ी अच्छा बना रखे लिए आजकल। और जो अंदर घंटी है, तो गाइस मैं घंटे के बारे में बताऊँ, तो काफ़ी पुरानी घंटी है गाइस अंदर, शायद आप लोग को अभी दिख नहीं रही गाइस इसमें। देख सकते हैं यार काफी अच्छी डेकोरेट किया है यार आज की, काफी अच्छा बना रखा है, तो काफी टाइम बाद आया गया जी। तो गाइस मंदिर है ये काफी यार, काफी टाइम बाद आया आज। और आपको मैं पीछे दिखाऊं तो पीछे भी काफी आजकल काफी अच्छा बना रखा है, काफी यहाँ पर काफी चीजें, कई चीजें जैसे पहले यहाँ पर बगीचा नहीं था, तो बगीचे फूल का बगीचा भी काफी यार। आप लोग अभी यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो बरसात का पानी आता था, उसके लिए भी यहाँ पर स्टोरेज के लिए बनाया गया गाइस। तो देख सकते हैं आप लोग अभी, जैसे पानी आता बरसात का पानी ज्यादा होता है, उसके स्टोरेज के लिए भी बनाया गया है। और जो इसके पीछे बैठने का ना गाइस, तो अल्टीमेट है, काफी मजा आता है यहाँ पीछे ना ग्रीनरी पूरी, तो ग्रीनरी यहाँ बैठने में काफी मजा आता है, काफी जो फैमिली वाले आते हैं कभी संडे को, तो यहाँ पर आके कई लोग बैठते हैं गाइस यहाँ पर भी, तो आप लोग बता दूं मैं फैमिली पर्पज से काफी अच्छा है। लेकिन जब यहाँ पर आते हैं, तो आप लोग काफी यार प्लीज यार गंदगी ना फैलाए, मैं तो यही कहूंगा अपने ब्लॉग में कि प्लीज यार गंदगी ना फैलाए जहाँ था गाइस। आपको मैंने इसके बारे में बताया था कि पहले कि जो ये पूरा एरिया है लगभग आपका, लगभग ये भिंड से स्टार्ट हो जाता गाइस, तो भिंड से स्टार्ट होने का लगभग ये वड्डा था, कि जो पूरा एरिया है लगभग कैंट एरिया लगभग जो आर्मी का एरिया है पूरा है गाइस। ये आप लोग अभी दौगल में आए, तो गाइस काफी अच्छा एरिया, काफी आ सकते हैं यहाँ पर, काफी घूमने की काफी अच्छे अच्छे जगह है यहाँ पर गाइस। तो आप लोग अभी आए तो दौगल में, तो आप लोग को यहाँ पर दिखाऊँ, तो एक झील लगी गाइस यहाँ पर, झील भी बना रही है एक,
पर्यटन की उसमें गाइस काफी यार काफी चेंज हो चुका है, काफी टाइम बाद आया तो यहाँ पर काफी अलग अलग चीजें देखने को मिल रही है गाइस। तो आप लोग भी आए तो कभी यहाँ को बड्डा को ट्रैवल करेंगे तो काफी अच्छा है यार घूमने के लिए, काफी मैं आप लोग बताऊँ बड्डा हो गया, झंडा हो गया, काफी अच्छी चीजें गए यहाँ पर बिलौल में गाइस। तो आप लोग को दिखाऊँ तो गाइस यार काफी अच्छा आ रहा है यहाँ पे, जो सीनरी आ रही तो काफी अच्छी आ रही है गाइस। गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर काफी यार जो घंटे लगा रखी है तो काफी अल्टीमेट यार काफी अच्छे से यार जैसे जिस बंदे ने भी रेगुलेट किया ना इसको, जिसने भी दिमाग लगाया ना भाई तो काफी अल्टीमेट यार। तो गाइस यार देखते हैं जो व्यू है, व्यू के साथ यार जो माता रानी की टेम्पल है तो उनके साथ साथ देखिए गाइस, तो देख सकते हैं आप लोग गाइस। तो मैं आपको बता दूं नवरात्रि के टाइम में काफी पूजा पाठ होती है गाइस यहाँ पर, तो अभी के टाइम में खाली वाली मिला, लेकिन जो नवरात्रि का टाइम होता है नवरात्रि के टाइम में आपको काफी भीड़ मिलेगी गाइस यहाँ पर टेम्पल में कामाख्या देवी में। तो गाइस ब्लॉग में रहिए साथ साथ, तो निकलते नीचे की तरफ को घर की ओर, तो ब्लॉग पर बने से रहिए साथ साथ गाइस। तो लास्ट में आपको मैं फिथौगढ़ व्यू दिखाता हूँ गाइस एक बार और, तो काफी अल्टीमेट व्यू आता है यार देखिए गाइस फिथौगढ़ का। तो आप लोगों को बता रहा था कि काफी अच्छा जो हिल स्टेशन है फिथौगढ़ आप लोगों को पता ही है, चारों तरफ से देखिए गाइस पहाड़ और पहाड़ों के बीच में बिल्कुल फिथौगढ़ है गाइस, आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ से लगभग पहाड़ होंगे फिथौगढ़ में। तो गाइस देख सकते हैं, तो गाइस ब्लॉग में बने रहिए साथ साथ, तो नीचे निकलते हैं। घंटे की बात मैं कर रहा था आपसे, तो जस्ट ये जो मंदिर है मंदिर के राइट से जो रास्ता जाता है आगे को, तो जो राइट से जो रास्ता जाता है तो वही रास्ता आगे जाने का, तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ आगे, काफ़ी अच्छा व्यू आता है वहाँ पर और काफ़ी फैमिली पर्पज से भी लोग आते हैं वहाँ पर बैठने के लिए या पिकनिक बनाने के लिए पिकनिक के तौर पर। तो आप लोगों को मैं दिखाऊँ तो व्यू यार फिथौगढ़ का व्यू यार फिथौगढ़ देखने में मज़ा आता है भाई UK 05। तो गाइस मैं लगभग टॉप में पहुंच चुका था यहाँ पर, जो मंदिर के पीछे जो बैठने के लिए है यहाँ पर काफ़ी अच्छा है यार गाइस देखिए। तो आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ ग्रीनरी है, ग्रीनरी के पास एक तरफ जंगल है गाइस और उस तरफ भी जंगल है, और जो माता रानी का टेम्पल है ये है टेम्पल। तो आप लोग यहाँ की जो लोकेशन दिखा तो काफ़ी अच्छा है यार, यहाँ चारों तरफ ग्रीनरी दिख रही गाइस फुल ऑसम वाला सीन। और आपको एक चीज दिखाऊँ पहाड़ों के बीच में इतना बड़ा ग्राउंड आप सोच नहीं सकते गाइस, देखिए गाइस पहाड़ों के बीच में पूरा ग्राउंड है गाइस, पूरा ग्राउंड है देखिए पूरा प्लेन है ग्राउंड, पूरा ग्राउंड है गाइस देख सकते हैं आप लोग, सोच नहीं सकते कि यहाँ पर भी ग्राउंड होगा कोई भी, क्योंकि पहाड़ों में ऐसे ग्राउंड बहुत कम मिलते हैं गाइस। तो देखिए गाइस चारों तरफ से ग्रीनरी है, तो ग्रीनरी के बगल में मंदिर और जो व्यू आता है गाइस यहाँ का काफी ऑसम काफी अच्छा व्यू। तो गाइस देखिए 5-10 मिनट रुकते हैं यहाँ पर फिर उसके बाद निकलता हूँ गाइस, तो ब्लॉग में बने रहिए साथ में, तो मिलते हैं आगे। तो गाइस हो चुका था टाइम निकलने का घर को, करीबन 1-1.5 घंटे मैंने यहाँ बिताए, 1-1.5 घंटे बैठा और थोड़े ठंडा ठंडा लेके आया था, ठंडा ठंडा पिया मैंने क्योंकि मैं सुबह से भूखा था, मैंने एक चाय पी थी काकू के वहाँ, तो चाय पीने के बाद मैं वहाँ से निकल गया था। तो गाइस निकलते हैं घर के और, तो काफ़ी टाइम हो चुका था यहाँ पर तो घर के निकलते हैं। तो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना गाइस, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरा चैनल। तो गाइस मिलता हूँ आप लोग अगले ब्लॉग पे, तो जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग पे आप लोगों को, बाय।